अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार 3 दिन हो गए हैं, मज़े की धूप है, ना धुंध है ना बादल है दोस्तों, इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। और आपके इलाके में दोस्तों आई थिंक सूरज निकला होगा, क्योंकि आजकल हर जगह सूरज ही है। तो हमारे परिंदे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं और हम खुद भी दोस्तों बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, सूरज की गर्म गर्म धूप है। तो अभी दोस्तों मैंने सोचा है कि क्यों ना हम सूरज का फ़ायदा उठाते हैं और आज हम अपना काम निपटाते हैं। कौन सा काम दोस्तों? हमने क्यारी के अंदर देसी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करनी है। बहुत सारे भाई मुझे कह रहे होते हैं कि भाई क्यारी के अंदर देसी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपके पौधे आपकी सब्जियां बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी और देसी खुराक मिलेगी आपको भी और आपके परिंदों को भी। तो मैंने सोचा कि चलो जी ये काम आज हम करते हैं। तो चलें हम अब चलते हैं दोस्तों बाहर। और सिप्टैन ये सेटिंग कर रहा है दोस्तों कि जब हम वो फर्टिलाइज़र इधर गिराएंगे तो आराम से मिक्स हो जाए, कोई मसला ना हो। तो चले ये काम हो गया सिप्टैन, बस हो गया काम, ये काम दोस्तों हो गया। और अब हम एक और दोस्तों एक चीज़ भी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक गुड न्यूज़ है दोस्तों। तो चलें दोस्तों अभी हम बाहर चलते हैं और लेकर आते हैं अपनी फर्टिलाइज़र। लग गया यार, इसको पकड़ो यार, ये दोस्तों कस्सी, इसके साथ हम उठाएंगे और साथ में हमने थैला भी उठाया हुआ है। यार दर्द हो रहा है, सकते हैं गोबर की लावा नहीं कर सकते यार कुछ? हाँ गोबर लाजमी उठाना है यार, वो कहते हैं बेस्ट खुराक जो होती है ना सब्जियों की, यही गाय और भैंस का गोबर होता है। तो कोशिश करते हैं उठाने की यार, पड़ेगा यार वो सामने है दोस्तों। मैंने आपको दिखाया था ना परसों दिखाया था, कल दिखाया था मैंने आपको कि हमने ये उठाना है, तो हमने आज उठाना ही उठाना है ये। तो पहले पता करते हैं, तो आज यार हम आ गए प्योर शहर में देहात। ये देखें दोस्तों, ये सेम टू सेम मुझे यही चीज़ चाहिए, लेकिन ये बना हुआ है, शायद इनका खुद इस्तेमाल होगा इसलिए इन्होंने बनाया हुआ है। हमने इसी तरह से ही उठाना है ताकि हम जब मिट्टी में उसको मिक्स करें ना, वो फिर क्या हो जाए, सही से मिक्स हो जाए, हल हो जाए। तो उधर चलते हैं, उधर खुद ही बना लेते हैं। तो यार बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जल्दी से हमारे सेटअप पर सब्जियाँ आएँ और हम खुद भी खाएँ, अपने परिंदों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दें। ऐसे यार मेरा बड़ा दिल करता है कि ऐसे मेरा सेटअप हो, यहाँ पर गाय भैंसे साथ मेरे ठहरी हों और हमारे परिंदे पौधे सारा कुछ। ये माहौल दोस्तों देख के मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है दिल को, और आई थिंक दोस्तों आपको भी मज़ा आ रहा होगा। और सिप्टैन पता नहीं क्या करने लग गया, क्या करने लगे यार? यार यहाँ तो सारा गीला गोबर है सिप्पी, फिर हाँ ये तो नहीं है, सही है ना? नहीं है सही यार, फिर क्या करें? ये अगर हम उठाएंगे ना फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। हाँ हाँ वही वाला है, पूछ के ले लेते हैं उनसे। पूछ के? हाँ जिनका है ना उनसे पूछ लेते हैं। यार सिप्टैन पूछने जा रहे हैं, अब देखते हैं कि हमें क्या रिस्पांस मिलता है। वो वाली ठीक है, चलें यार इजाज़त तो मिल गई है हमें, तो हम अपना काम करते हैं, अब शुरू हो जाओ। तो यार दूसरा थैला भी हमने भर लिया, और सिप्टैन जल्दी से लेकर आओ यार, देर हो रही है यार, बहुत ज़्यादा थक गए हम, पहली दफ़ा ऐसा काम किया है हमने। तो आओ भाग के। वे ये यार पप्पी उसके, सिप्टैन उसके जो हम कल ढूंढ रहे थे। हाँ ना ये है, ये काम करते हैं तो आप ये रख के आते हैं। अच्छा, और इसके लिए कुछ खाने को भी ले आते हैं। हाँ। और इसके पप्पीज को भी खिलाते हैं, ठीक है? करते हैं, चलो चले। और पपीज भी देखेंगे गौर से, अंदर ही हैं यार, मैंने देख लिए हैं, काफ़ी हैं, तकरीबन हैं कोई 1 2 3 4 5 6 7 7 8 हैं कोई, पता नहीं। चलो उठाओ इसको, तुम उठाओ भाई, मेरी बारी मैंने नहीं है, एक्साइटमेंट में भूल गया। चलो ये देखें दोस्तों, अभी उधर ये रख के आते फिर इसके लिए खाने के लिए। हाँ इनको यार, इनके लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आते हैं। चलो 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 चलो, बच्चे यार, इसके बच्चे देखते हैं कितना है। ये रहे इसके बच्चे, ये हैं जी काफी ज्यादा है यार, ये तो अंदर छुपे हुए हैं, छुपे हुए हैं बच्चे इसके, सारे सेम कलर के हैं। हाँ आराम से सो रहे हैं छांव में, और इसने घर कैसा चूज किया है। अच्छा मुर्गे जब आएंगे ना इसमें बहुत जोर से खेलेंगी।
जोर से खेलेंगे, बहुत मजे से खेलेंगे। हाँ याद है जितन? नहीं यार, जब छोटे होते थे ना। हाँ गोबर में खेलते थे। और क्या यार, चूजे जो होते थे रंगीन। हाँ गोबर में लेकर जाते। हाँ, उनको लेके जाते थे और इसमें वो बहुत ही जोर से खेलते थे। तो दोस्तों ये देखिए, जो ही हमने ये गोबर डाली है तो फौरन फौरन ये मुर्गियां आ गई हैं एंजॉय करने के लिए, और बहुत ही इनको अच्छा लग रहा है यहाँ पर खेलना। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर थोड़े थोड़े हसरात हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हसरात हैं यार, और मजे से दोस्तों एंजॉय कर रही हैं। तो चलें दोस्तों, जब तक हम ये डालते हैं तो ये भी जो है साथ साथ करती रहेंगी। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all. All that is blackness. तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सारा काम हो चुका है। हमने मिट्टी के अंदर दोस्तों गोबर मिक्स कर दी है, और अल्लाह करेगा दोस्तों जो एक्स्ट्रा मिट्टी है मैं चाह रहा हूँ वो नीचे बैठ जाए। थोड़ा सा ये जो हदूद है ना दोस्तों हमारी इस क्यारी की, वो क्यारी की हदूद दोस्तों यहाँ पर है। ये देखें, ये देख रहे हैं ना आप, ये हमारा ड्रेन सिस्टम है। जो एक्स्ट्रा पानी होगा दोस्तों वो यहाँ से नीचे आएगा, जैसे बारिश का एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, यहाँ पर खड़ा नहीं रहेगा दोस्तों, नीचे यहाँ से गुजर जाएगा। तो अल्लाह करेगा दोस्तों कि यहाँ तक मिट्टी आ जाएगी, बैठ जाएगी, मतलब पानी देने के बाद। तो चलें दोस्तों, ये पानी यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। ये है हमारी चिराजी कबूतर का घर, मतलब घोंसला, और उसके अंदर दोस्तों ये हैं जी उसके दो अंडे। माशाल्लाह दोस्तों, ये देखें हमारी शिराजी कबूतरी के दो अंडे, और आज इसने सुबह तक नहीं दिया था दूसरा अंडा दोस्तों, कल ये वाला अंडा कल का है आई थिंक, और ये ताज़ा अंडा मुझे लग रहा है अभी इसने शायद अभी 15-20 मिनट के अंदर अंदर दिया हो। तो खैर इनको दोस्तों हम रख देते हैं, और मुझे अब जो टेंशन है दोस्तों, ये टेंशन है दोस्तों कि हमारी जो लाल वाली कबूतरी है ना, उसने दो अंडे दिए हुए हैं ये वाली कबूतरी। तो कल वाली वीडियो के नीचे बहुत सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आप इन अंडों को ज़ाय कर दें, ये अंडे कबूतरी नहीं पालेगी फिर छोड़ देगी। मैंने आपसे पूछा था दोस्तों कि क्या हम इनको शिराजी कबूतरों के नीचे रख दें, क्या वो इनको पालेगी, चार अंडों को बच्चों को पालेगी, लेकिन सब भाई मुझे कह रहे थे कि भाई इनको आप वेस्ट कर दें। तो चलें दोस्तों, अब देखें ये देख रही है बेचारी, ये देखें दोस्तों अभी अपने घोंसले को देख रही है कि मेरे अंडे कहाँ चले गए यार। इसके फायदे के लिए हम चाह रहे थे, इनक्यूबेट तो दोस्तों करती, इनके अंदर जान भी बनती, लेकिन फिर ये छोड़ देती और बच्चे इसके अंदर ही मर जाते। तो बच्चे बनने से पहले ही हम सोच रहे हैं कि हम इनको वेस्ट कर दें। यहाँ पर मिट्टी थी बिल्कुल, यहाँ पर आखिरी किनारे पर मिट्टी थी। अब देखें दोस्तों कितना फ़र्क आ गया है, तकरीबन 5-6 इंच का फ़र्क आ गया है। तो अभी भी नीचे और मज़ीद नीचे होगी। तो खैर दोस्तों, हम ये मुर्गी को खिलाते हैं अंडे। तो चलें दोस्तों, ये हम तोड़ रहे हैं अंडे, और ये गया अंडा, और अब हम, और अब दोस्तों हम ये वाला भी तोड़ते हैं, ये गया अंडा, ये गया। चले इनकी आज पार्टी होगी, गरम गरम अंडे। अंडे और गोबर की पार्टी। हाँ बिल्कुल यार, अब मैं जो सोच रहा हूँ दोस्तों कि हम अपने इस मेल डायमंड डव के लिए फीमेल डायमंड डव लेकर आनी होगी, क्योंकि यार बहुत सारे दिन गुजर गया, ये अकेला है बेचारा। फीमेल डायमंड डव और साथ में मेल स्ट्रॉबेरी फिंच और एक मेल ज़ेब्रा फिंच, ये तीन आइटम दोस्तों हमने बहुत जल्द ही लेने हैं। बस ये हम क्यारी बना लें दोस्तों, उसके बाद हम ये काम करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो आज पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।